हे गाइस, मेरा नाम है शाकिब, आप देख रहे हैं टेकू। पर इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका बजट है 20,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच में, तो कौन सा फोन है जो आपके लिए। देखो भाई, हमारे पास यहाँ पे तीन बेस्ट फोन है। पहला फोन है OnePlus का Nord CE2। इस फोन का डिजाइन और एस्थेटिक्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है। स्पेसिफिकेशन में एमोलेड पैनल का डिस्प्ले है, 64 मेगापिक्सल कैमरा है, बहुत ही अच्छा और क्लासी डिजाइन है, फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है, मस्त ऐसे गंदा हो जाता है। दूसरा फोन है ये Realme 9 Pro Plus 5G। ये लोग फोन में देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसका एक ब्लू कलर अवेलेबल है, बहुत क्रेजी लगता है वो भी। 50 मेगापिक्सल कैमरा, बैक डिजाइन ग्लास का है, होल्ड में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और अच्छा लगता है देखने में। और इसका डिस्प्ले भी माशाल्लाह है, एमोलेड पैनल है। और अपना लास्ट फोन है Redmi का Note 11 Pro Plus 5G। भाई नाम बोलते बोलते से सांस फूल जाती है। बैक डिजाइन ग्लास है, फ्रंट में ये भी एमोलेड पैनल है। भाई बॉक्स डिजाइन है ये, आईफोन के बाद काफी सारे फोन बॉक्स डिजाइन में आ रहे हैं, उसी टाइप का फील है, हल्का सा मोटा फील होता है ये। और जो इसका डिजाइन है भाई काफी क्रेजी सा है, ऐसे वाटर वेव वाला फील आता है। इसका कैमरा सेंचुरी मार चुका है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें। प्राइसिंग की बात करते हैं, अपना रेडमी का Redmi का जो फोन है इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 21,000 रुपीज से। हमारे पास 8 Plus 128 GB है, बेस प्रिंट अवेलेबल नहीं था स्टार्टिंग में, इसकी प्राइसिंग उन्होंने पे की है 23,000। Realme 9 Pro अपना महंगा प्लेयर है भाई, इसकी प्राइसिंग है 25,000 रुपए। लेकिन इसके ऊपर जो बैंक ऑफर है वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों पे लगता है, तो हम उन्होंने इसके लिए भी 23,000 पे किया, HDFC का बैंक ऑफर है। और अपना जो है OnePlus Nord CE2, इसकी प्राइसिंग 24,000 रुपीज है और इस पे भी बैंक ऑफर लग जाता है। कुल मिला इन सभी की प्राइसिंग अराउंड 20 से 23-24 के अराउंड पड़ेगी। बहुत ज्यादा तो 1,000 रुपए का फर्क होगा, उतना ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। देखो सबसे पहली बात, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। अगर मेरी बात करूं तो मुझे नॉर्ड का डिजाइन काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डिजाइन है और लाइट वेट भी 170 ग्राम्स का। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये प्लास्टिक बिल्ड है और प्लास्टिक बिल्ड हैंड में उतना ज्यादा प्रीमियम नहीं लगता है। लेकिन फॉर सम रीजन OnePlus ने बहुत ही अच्छी बिल्ड बनाई है और हाथ में प्रीमियम लगता है Realme की। यह है एक ग्लास बॉडी वाला डिजाइन, इसका इनहैंड फील बहुत ही ज्यादा रॉक सॉलिड वाला फील देता है। इसका जो कर्व काफी शार्प सा फील आता है और हाथ में यार ऐसे पकड़ने में आपको थोड़ा रिजिड फील आएगा। बैक डिजाइन थोड़ा ग्लॉसी है और देखने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे फॉर सम रीजन इस टाइप डिजाइन थोड़े कम पसंद आते हैं। और सबसे अच्छी बात, फोन में वेट बिल्कुल नहीं, 180 ग्राम्स का Redmi का Note 11 Pro Plus 5G। ग्लास बॉडी है, बॉक्स डिजाइन है और जिसका फ्रेम है ये प्लास्टिक फील होता है, काफी ज्यादा प्लास्टिक फील होता है। और ये फोन थोड़ा भारी सा है, 200 ग्राम्स का है और हैंड में थोड़ा बड़ा फील होता है डेफिनेटली। जितने भी Redmi और Poco के फोन होते हैं थोड़े से हैंड में बड़े फील होते हैं, लेकिन ग्लास बॉडी होने की वजह से हैंड में काफी प्रीमियम फील भी आता है। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत ही अच्छा डिजाइन है, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में Realme का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा और बिल्ड भी बहुत ही अच्छा है। इसका जो फ्रेम है ना वो प्लास्टिक है, लेकिन फील उसका बहुत ही ज्यादा मेटालिक है और साइड से कर्व है और पतला भी फील आता है। इसलिए बिल्ड क्वालिटी में Realme, लेकिन कम्फर्ट में OnePlus को मैं चूज करूंगा और Redmi आगे से एकदम सिमिलर फ्रेम है। लेकिन अगर बात करते हैं चिन के मामले में तो Realme में हल्का सा स्लाइट सा चिन ज्यादा है, लेकिन डिफरेंस आप देख नहीं पाओगे। Redmi के डिस्प्ले के बारे में बात करें, बीच में ड्रॉप नॉच है और इसमें भी चिन बहुत ही छोटा सा है, OnePlus के कंपैरिजन में और छोटा है। फुल व्यू वाला फील Redmi में थोड़ा ज्यादा आएगा। जैसे तीनों डिस्प्ले एमोलेड पैनल और साइड से व्यूइंग एंगल्स तीनों ही के बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी कलर शिफ्ट नहीं होता है और तीनों ही बहुत ही अच्छे डिस्प्ले पैनल है। और आउटडोर क्वालिटी के बारे में बात करें तो तीनों ही फोन के अंदर एमोलेड पैनल है और डेफिनेटली तीनों ही फोन फुल ब्राइटनेस के ऊपर है। और अगर बात करते हैं क्लियरिटी और कलर्स के, तीनों ही में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी कलर शिफ्ट नहीं हो रहा। डेफिनेटली तीनों ही फोन एमोलेड पैनल के साथ आते हैं, हम लोगों ने भी आउटडोर में काफी सारी फोटोज ली है। और Redmi में एक प्रॉब्लम आती है, कैमरे मोड पे इसका डिस्प्ले अजीब सा डिम सा हो जाता है और अपने आप फिर लिट हो जाता है। वो एक वियर्ड सी प्रॉब्लम है जो कि ब्रांड आराम से फिक्स कर सकता है, नॉर्मल यूज केस में कोई दिक्कत नहीं आती। और OnePlus और Realme का डिस्प्ले तो काफी ज्यादा सिमिलर है, तो तीनों ही फोन का डिस्प्ले सेम पेज पे कोई इशू नहीं होगा, आपको आउटडोर यूज करो या इंडोर यूज करो। और तीनों फोन प्रोडक्शन पेन के आए भाई, Gorilla Glass 5 की प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तीनों ही फोन के बॉक्स के अंदर आपको केस मिल जाएगा, ये OnePlus का है, बाकी हमारा बुला गया है, लेकिन आप एक्चुअल वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर सारा डिटेल में बता रखा है। और डिस्प्ले साइज के मामले में OnePlus Realme दोनों सिमिलर है, लेकिन Redmi थोड़ा ज्यादा बड़ा है, 6.67 इंच का डिस्प्ले, बड़ी डिस्प्ले ज्यादा एंटरटेनमेंट में मजा आएगा। और एंटरटेनमेंट की बात हुई गई है तो एक बार स्पीकर टेस्टिंग कर लेते हैं दोस्तों। तीनों फोन का वॉल्यूम फुल कर लेते हैं, पहला फोन चला रहा है, सेकंड फोन चलाते हैं, थर्ड फोन चला रहे हैं हम लोग अभी, नंबर
मेरे हिसाब से जो लास्ट वाला फोन था उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा अच्छा था, सराउंड साउंड का इफेक्ट भी आ रहा था, इस भी काफी सही था। और वो फोन था रियलमी का 9 प्रो प्लस। भाई इसके अंदर डुअल स्पीकर्स है और इसका स्टूडियो इफेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा है। सेकंड नंबर पे आता है अपना रेडमी का नोट 11 प्रो प्लस 5G, लेकिन इसमें पंच थोड़ा सा कम लगा है मुझको और हल्का सा स्लाइट वॉल्यूम भी कम है। और थर्ड फोन की बात करें वन प्लस, इसका वॉल्यूम थोड़ा कम था क्योंकि इसके अंदर सिंगल स्पीकर है, डुअल स्पीकर नहीं है। क्वालिटी अच्छी है स्पीकर की, वॉल्यूम स्टिल कम है। अभी हम लोग आउटडोर आ चुके हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इन तीनों ही फोन से। सो अभी जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो ये आउटडोर कंडीशन, रेडमी 9 प्रो प्लस, वन प्लस नोट सी टू, रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G। इन तीनों ही फोन का नाम याद करना अलग ही केस है भाई। और अगर बात करते हैं आउटडोर कंडीशन की, अभी जस्ट मेरे पीछे सन है और आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, हम लोग बार बार माइक की क्वालिटी स्विच करते रहेंगे। सो अभी तीनों ही फोन का फोकस टेस्टिंग कर लेते हैं, ऐसे लेके चल जाओ। रेडमी का फोकस ट्राई करते हैं, बहुत ज्यादा स्नैपी फास्ट है। वन प्लस का भी सेम काफी फास्ट है, लेकिन मुझे रेडमी का थोड़ा ज्यादा फास्ट लगा क्योंकि बैकग्राउंड का जो ब्लर है बहुत ही अच्छा क्रिएट हो रहा है रेडमी में। और अगर रियलमी की बात की जाए तो रियलमी में भी सेम और इसमें भी बहुत ही अच्छा ब्लर क्रिएट हो रहा है। तो तीनों ही फोन का फोकस बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा रेडमी नोट 11 प्रो प्लस का लगा। तीनों ही फोन का एक बार स्टेबलाइजेशन चेक कर लेते हैं, तो मैं लेके दौड़ता हूँ थोड़ा सा। एक बार अभी नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं हम लोग, अभी नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं हम लोग और अभी थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा दौड़ लेते, थोड़ा तेज दौड़ लेते दोस्तों। ठीक है, वैसे स्टेबलाइजेशन के मामले में रियलमी का फ़ोन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, उसके बाद वन प्लस है, उसके बाद रेडमी। रेडमी का स्टेबलाइजेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन वीडियो क्वालिटी और ख़ास के बोके बहुत ही अमेजिंग है रेडमी का। अब बात करते हैं थोड़ा सा सेल्फी कैमरे के बारे में। तो अगर बात करते हैं सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो तीनों ही फ़ोन से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। रेडमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम फ्रेम कैप्चर हो रहा है, रियलमी और वन प्लस में ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, लेकिन वन प्लस का सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा फ्रेम कैप्चर हो रहा है। माइक हम लोग बीच में स्विच करते रहेंगे। SDR के मामले में वन प्लस काफी अच्छा काम कर रहा है, उसके बाद रियलमी है और रेडमी के अंदर काफी ज्यादा वाइट वाइट सा हो जा रहा है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी और डिटेलिंग रेडमी में काफी ज्यादा अच्छी है। वन प्लस और रियलमी का काफी ज्यादा सिमिलर सा है। और रेडमी के अंदर आप देख सकते हो कि एक प्रॉब्लम है कि बार बार स्क्रीन अपने आप डिम हो जाती है, अपने आप लिट हो जाती है, और वो वाला इशू काफी दिन से चल रही है। और अभी थोड़ी सी फोटोज ले लेते हैं। तीनों ही फोन को काफी अच्छे तरीके से टेस्ट किया, वैसे पहले भी लोग टेस्ट कर चुके थे। अगर मैं बात करता हूँ वीडियो क्वालिटी के हिसाब से, देखो भाई Redmi Note 11 Pro Plus 5G का वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू वन प्लस। लेकिन अगर बात करते हैं Realme की, तो Realme और Redmi काफी ज्यादा क्लोज आते हैं अपने वीडियो क्वालिटी के हिसाब से, थोड़ा ज्यादा सैचुरेट करता है और क्लियरिटी और डेफिनेशन थोड़ा सा कम है, बहुत स्लाइट सा। और Redmi का बोके बहुत ही अच्छा है, क्लियरिटी बहुत ही अच्छी है और वीडियो क्वालिटी डेफिनेटली काफी अच्छा है, क्योंकि इसका सेंसर 108 मेगापिक्सल का मिलता है आपको, जो कि थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसर है और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग सेंसर चाहिए भी होता है, तो डेफिनेटली वीडियो क्वालिटी में Redmi। स्टेबलाइजेशन में बता चुके हैं हम लोग आपको Realme है। और वन प्लस में प्रॉब्लम यह कि वन प्लस फेस टोन को बहुत ही ज्यादा वियर्ड रिकॉर्ड करता है। HDR क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी, लेकिन HDR मेरे हिसाब से सब कुछ नहीं होता है। फेस टोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कलर साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि Redmi का सबसे अच्छा है। फोटोज की बात करें तो काफी ज्यादा क्लोज आते हैं तीनों ही फोन, लेकिन वहां पर मुझे कहीं ना कहीं Redmi ज्यादा अच्छा लगा है। फोकस और पीछे का जो बोके इफेक्ट होता है वही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है इसका। बस एक प्रॉब्लम है कि HDR उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना वन प्लस और रियलमी का है। रियलमी हर एक चीज़ में काफ़ी बैलेंस आता है, मतलब कि भाई रियलमी को आप बुरा नहीं बोल सकते हो, लेकिन सबसे अच्छी की बात हो रही है तो अगेन मैं रेडमी को चूज़ करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल कट आंसर, कैमरे के मामले में रेडमी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको इंडोर रिकॉर्ड करना है या आउटडोर रिकॉर्ड करना है रेडमी। बहुत अलग अलग फोटोज क्लिक किए हम लोगों ने, कैमरा सैंपल्स की बात कर लेते हैं आपको। ये वन प्लस, रेडमी, रियलमी, सेल्फी से स्टार्ट करते हैं। वन प्लस का कलर साइंस काफी ज्यादा अच्छा हो गया, अपडेट के बाद काफी फिक्स हो गया,
लेकिन वही क्वालिटी थोड़ी सी कम सी लग रही है मुझको, लेकिन कलर साइंस इसका बहुत ही अच्छा है। अगर बात करते हैं रेडमी का, रेडमी में आपको क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाएगी, क्लियरिटी है, वाइब्रेंट कम लग रहा है मुझको। रियलमी की बात करें तो रियलमी में ओवरऑल वाइब्रेंस भी अच्छी है, स्किन टोन थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी आई है। ये वाला एक पोर्ट्रेट सेल्फी है, रेडमी ने काफी ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट से कर दिया यहाँ पे स्किन टोन। वन प्लस ने स्किन टोन बहुत ही अच्छा मैनेज किया, इवन की क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी मैनेज हो गई है और कलर्स भी काफी अच्छे हैं। और रियलमी का सेम अगेन क्वालिटी और कलर्स बहुत ही अच्छे मेंटेन किए हैं यहाँ पे और ऑप्टिमाइज भी लग रहा है मुझको, एज डिटेक्शन भी बहुत ही अच्छा किया है, तो डेफिनेटली रियलमी का सेल्फी यहाँ पे सबसे अच्छा है। स्ट्रेट फोटोज की बात कर लेते हैं, यहाँ पे रियलमी ने क्वालिटी काफी अच्छी मेंटेन की है। यहाँ पे रेडमी में स्किन टोन थोड़ा सॉफ्ट हो गया लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छी मेंटेन की गई है यहाँ पे, और वन प्लस में कलर टोन और स्किन टोन और क्वालिटी सारी की सारी मिसमैच्ड है। इसके पोर्ट्रेट में सच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सारे टाइम पे तीनों के कैमरे काफी ज्यादा क्लोज रहते हैं। अगर बात कीजिए वन प्लस की तो इसने काफी अच्छा कलर टोन मेंटेन करना सीख लिया, लेकिन वही की क्वालिटी थोड़ी मेंटेन नहीं हो पाती है। रेडमी में क्वालिटी बहुत ही अच्छी मेंटेन हो पाती है, कलर्स भी काफी अच्छे आते हैं, रियलमी में भी सेम कलर्स और क्वालिटी हमेशा अच्छी आती है। लेकिन अगर बात करते हैं डायनेमिक रेंज की, यहाँ पे आप देखोगे रियलमी ने बहुत ही अच्छा मेंटेन किया है डायनेमिक रेंज इन सभी के मुकाबले, तीनों का ही कैमरा बहुत ही क्लोज है। मैंने जितना चेक किया इन सभी का कैमरा, मुझे लगता है कि रेडमी का कैमरा कहने की एज लेके आता है जहाँ पे इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी निकल के आती है, इवन की नॉर्मल फोटो से क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। कलर्स कहने की मिसमैच रहते हैं, लेकिन वो कलर्स आप एडिट करके ठीक कर सकते हो। वन प्लस कैमरा मुझे उतना पसंद नहीं आया क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी इशू है, पोर्ट्रेट फोटोज तो बहुत ही ज्यादा बेकार आती हैं, लेकिन रियलमी का कैमरा ओवरऑल बैलेंस आता है। इसकी वीडियो क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी अच्छी रेडमी की है, मुझे ओवरऑल और कंसिस्टेंसी में रेडमी का कैमरा अच्छा लगा क्योंकि इसका वीडियो बहुत ही अच्छा निकाल देता है। रियलमी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा कलर साइंस और अच्छा हो जाता तो डेफिनेटली इसको मैं नंबर वन बनाता, लेकिन अभी के लिए रेडमी। अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तीन ही फोन के अंदर जो प्रोसेसर मिला है थोड़ा थोड़ा चेंज है। सबसे पहले भाइयों के बारे में बात करते हैं, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 920 6 नैनोमीटर का एक प्रोसेसर है और वन प्लस का मीडियाटेक का 900, दोनों के नाम में इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन रियलमी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हम लोगों ने कंपैरिजन वीडियो में दिखा रखा। लेकिन अगर बीच में लेके आते हैं रेडमी का स्नैपड्रैगन 695, देखो भाई एक 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर है और इन दोनों के कॉम्पिटिशन में ही आया और ये परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छा है। तीनों ही फोन के अंदर आपको UFS 2.2 का सपोर्ट मिलता है, मेमोरी स्पीड आपकी थोड़ी फास्ट मिलेगी, लेकिन अगर भाई एक्चुअल स्पीड टेस्ट कर लिया जाए, सारे मोबाइल का बैकग्राउंड क्लीन कर देते हैं पहले और अभी अगर स्पीड रन करते हैं आप देखोगे रेडमी भाई काफी ज्यादा आगे लोग से। वैसे 8GB का वेरिएंट भी है, रियलमी और वन प्लस काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन अपना रेडमी भाई काफी आगे इन लोग से। तो रीड स्पीड ऑलमोस्ट 1.3GB है, जिसका मतलब आप समझ सकते हो कितना ज्यादा फास्ट स्पीड प्रोवाइड करेगा। वैसे 8GB रैम वेरियंट है, इनफैक्ट अगर 6GB रैम वेरिएंट भी होता तो भी थोड़ा ज्यादा ही आगे रहता है लोग से। नेटवर्क स्पीड की बात करें तो तीनों फोन को मैंने कॉलिंग ट्राई किया है, नेटवर्क ट्राई किया है, सिम लगा के देखा, कुछ ऐसा इशू नहीं जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल आराम से काम करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं इंटरनेट स्पीड की, तीनों फोन सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। एक बार नेटवर्क स्पीड ट्राई करते हैं, अकेले अकेले ट्राई करेंगे। जैसे हमारे वाईफाई की स्पीड 300 Mbps है रेडमी वन प्लस, तो डाउनलोड और अपलोड स्पीड आ चुकी है। अगर आप देखोगे रेडमी में इसका डाउनलोड और अपलोड स्पीड बहुत ज्यादा कम है, इवन की वाईफाई नेटवर्क्स भी काफी ज्यादा ही कम ले रहा है। वन प्लस सबसे ज्यादा फास्ट है और इवन की वाईफाई स्पीड इसने फुल कैप्चर की हुई है। रेडमी के भी वाईफाई टावर्स फुल है एकदम, रेडमी के नंबर्स कम आए। एक बार एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और प्रैक्टिकल टेस्टिंग कर लेते हैं आप लोग के लिए, तो एक बार इंस्टॉल करते हैं साथ साथ। यहाँ पे देख सकते हैं रेडमी काफी पीछे, रेडमी काफी आगे, वन प्लस थोड़ा सा पीछे। रेडमी ने इंस्टॉल कर लिया दोस्तों, रेडमी फर्स्ट, वन प्लस सेकंड इजीली, और अपना रेडमी बहुत ज्यादा पीछे, और यही सेम परफॉर्मेंस डेली लाइफ में देखने को मिल भी रहा था। और अभी बात करते हैं गेमिंग के बारे में, पबजी टेस्टिंग भाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों ही फोन में आराम से पबजी BGMI चल जाएगा। सब में उन्होंने BGMI ऑन कर लिया। वन प्लस के ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं, स्मूथ में आपको एक्सट्रीम की सेटिंग्स मिल जाती है और अपडेट के बाद HDR में अल्ट्रा भी आ चुका है दोस्तों, तो वन प्लस की पबजी सेटिंग्स काफी अमेजिंग हो गई है। रेडमी के ग्राफिक्स की बात करते हैं, इसके अंदर HDR अवेलेबल नहीं है और ये एक प्रॉब्लम है। माधव भाई को हंसी आ रही है क्यों भाई, रियलमी में है क्या, अभी देखेंगे। स्मूथ में अल्ट्रा और HD में हाई सेटिंग्स ही इसके अंदर ओपन है और अपडेट का भरोसा नहीं है, अगर फ्यूचर में कभी आया तो शायद कर देंगे आप लोग नोटिफाई ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कहीं कभी। ये इसका हाई सेटिंग्स जो कि काफी कम है वन प्लस के सामने। और अब बात करते हैं रियलमी की, और रियलमी के अंदर भी सेम वन प्लस वाला HDR अल्ट्रा ओपन है और स्मूथ पे एक्सट्रीम तक मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो परफॉर्मेंस के मामले ओवरऑल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आएगी रियलमी 9 प्रो में इन कंपैरिजन टू
OnePlus Nord C2 World and Redmi Note 11 Pro Plus 5G. लास्ट चीज के बारे में बात करूं जो कि बैटरी और चार्जिंग। देखो भाई, तीनों ही फोन के अंदर चार्जिंग बहुत ही अच्छी मिली आपको। 67 वॉट का चार्जर आता है Redmi के साथ, Realme और OnePlus के साथ आपको आता है 65 वॉट का चार्जर। देखो 65 वॉट वर्सेस 60 वॉट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस है बैटरी कैपेसिटी में। Realme और OnePlus में आपको 4500 mAh की बैटरी आती है, लेकिन Redmi में आता है 5000 mAh का बैटरी। 5000 mAh की बैटरी है इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा ये हेवी फील आता है, हल्का सा वेट भी है, लेकिन भाई 5000 mAh की बैटरी के लिए उतना वेट बिल्कुल आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। और अगर चार्जिंग की बात करें, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। OnePlus सबसे ज्यादा तेज चार्ज होगा, ऑलमोस्ट 40 मिनट में 100% चार्ज, 45 मिनट आप कह सकते हो Realme के लिए, और 50 मिनट आप कह सकते हैं Redmi के लिए। हल्का सा स्लो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है वहाँ पे, तो बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको चार्जिंग या बैटरी में। और इतनी बैटरी कैपेसिटी, आजकल जितने भी लोग फोन यूज करते हैं, हेवी फोन यूज कर रहे हो, एक दिन आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ अगर कंक्लूजन पार्ट की बात करें, तो मेरा फेवरेट फोन कौन सा है, मुझे लगता है कि Redmi Note 11 Pro Plus 5G मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो वीडियो कैमरा है या इसका जो एक्चुअल कैमरा काफी अच्छा है, और जो छोटे मोटे फीचर्स होते हैं जैसे कि आपको आयर ब्लास्टर काफी काम आता है डेली लाइफ में, और अपने एसी का रिमोट बना हुआ है ये, और इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा, किसी को मारना वारना तो फेंक के मारोगे मस्त लग जाएगा। फीचर तो ग्लास बॉडी है, लेकिन डेफिनेटली मेरा फेवरेट डिजाइन ये नहीं है, मेरा फेवरेट डिजाइन ये दोनों है, Realme और OnePlus, बिल्ड के लिए ये, ब्यूटी के लिए ये। और इसकी प्राइसिंग इन दोनों फोन से काफी कम है, 21,000 स्टार्ट होता है, और ओवरऑल सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर है, और बैटरी भी थोड़ी ज्यादा है, और डिस्प्ले भी थोड़ा बड़ा है, ओवरऑल एक अच्छा फील आ रहा है मेरे को इसके साथ। सेकंड नंबर पे कौन है आपको पता ही होगा, Realme और OnePlus कंपैरिजन हमने कर रखा है, और मैं सेकंड नंबर Realme को दूंगा। प्लस इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, डुअल स्पीकर है इसके अंदर, पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छा ले पाता है, और परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा आपको गेमिंग के मामले में। तो इसी के साथ ये था मेरा बेस्ट फोन अंडर 25,000 रुपीस का वीडियो, फिर आपको पसंद आ गया होगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने की कोशिश किया मैंने। और इन तीनों ही फोन की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लेना भाई, लाइक वाइज कर देना, बहुत ही मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।